Welcome to DigiFall Tech. Please subscribe and press the bell icon. Huawei Band 4 Pro NFC सपोर्ट के साथ आज लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको SPO2 सेंसर भी मिल जाएगा और इसमें हार्ट रेट और 0.95 इंच का एमोलेड डिस्प्ले भी दिया गया है। इसकी प्राइस चाइनीज से अगर आप इंडियन मार्केट पे कन्वर्ट करते हैं तो रफली 4,000 रुपये का ये आएगा। एप्पल अगले साल से अपने आईफोन वाला जो फोन है उसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज कर सकता है, जो कि रहेगा क्वालकॉम के तरफ से। और आईफोन में तीन साइज आएंगे, 5.4 इंच का, 6.1 इंच का और 6.7 इंच का। और 5G कनेक्टिविटी के साथ ये फोन रहेगा और क्वालकॉम का ही 5G मॉडेम यूज किया जाएगा, यानी कि X55 वाला मॉडेम। स्पेस एक्स का लॉन्च जो है जेनेटिकली इन्हेंस करने के लिए माइटी माइक ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कांटेक्ट किया है। इसमें कुछ 2585 किलो का कार्गो को टेस्ट किया जाएगा और 8 दिसंबर को इसका पहला टेस्टिंग रहेगा। रेडमी का K30 सीरीज को स्पॉट किया गया है। 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा सेटअप के साथ क्वाड कैमरा सेटअप है ये। इसमें सोनी का IMX686 वाला कैमरा सेंसर है, जो पिछले साल के सोनी का 48 मेगापिक्सल कैमरा IMX586 का अपग्रेड वेरिएंट है। इसमें आपको दो चार कैमरा मिलेंगे, एक वाइड एंगल, एक मेन कैमरा, एक माइक्रो और एक टेलीफोटो लेंस के लिए। और ये फोन 5G भी हो सकता है और इसमें 20+2 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल वाला सेल्फी कैमरा भी आपको मिल सकता है। और प्रोसेसर रहेगा स्नैपड्रैगन की तरफ से 765G। सैमसंग का गैलेक्सी A71 का कुछ नया लीक आया है, रेंडर लीक, और गीक बेंच पे भी वैसे सैमसंग के गैलेक्सी A11 को भी स्पॉट किया गया है। होल पंच वाला डिजाइन है ये। 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप इसमें हो सकता है। वीवो का X30 प्रो 16 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है, डेट फाइनल हो चुका है। ये दोनों ही फोन 5G फोन रहेगा और इसमें सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग का 5G प्रोसेसर रहेगा, जिसका नाम है Exynos 980। और इसमें 60x जूम सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, पेरिस्कोपिक डिजाइन वाला। Realme XT का एक 730G वाला वेरिएंट लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट के लिए 17 दिसंबर को। साथ ही साथ Realme का एयरपॉड भी लॉन्च हो सकता है। अब देखते ये है कि इसमें Realme का XT 730G का क्या प्राइस रखता है। कंपनी सिर्फ प्राइस का खेल है, एक्चुअल पे 730G को आप सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं MediaTek के G90T, जो कि दिया गया है Redmi Note 8 Pro पे। तो Redmi Note 8 Pro आपको 15,000 से स्टार्टिंग हो जाता है, 6GB 64GB। इस प्रोसेसर का एक्चुअल कॉम्पिटिटर वही है। तो अब देखना ये होगा कि Realme XT क्या प्राइस रखता है। अगर महंगा रखेगा तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर महंगा हुआ तो इस फोन को इग्नोर कर दीजिएगा। वोडाफोन और आइडिया ने आज फिर कहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट हमको रिलीफ प्रोवाइड नहीं करता है तो हमको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा। मैं अगर बोलूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो वोडा और आइडिया को अपना इंडिया का बिजनेस कम्प्लीटली क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंपनी ऐसी हैं कि ना कभी टावर दे सकती हैं ना कभी अच्छी इंटरनेट स्पीड देती है, आइदर इन ना डाउनलोड अपलोड 3G 4G कुछ भी चीज़ नहीं है, ना इनके रिचार्ज प्लान है, ना किसी भी ब्रांड से इनका OTT एप्स अपडेट है, ना कोई रिचार्ज प्लान है, ना कोई डायलर टोन, ना कोई 20 कॉल अलर्ट, किसी भी प्रकार की बेनिफिट नहीं है। सबसे बेकार कंपनी आज के डेट पे आइडिया ही है, आइडिया और वोडाफोन। इवन एयरटेल ने तो काफी अच्छा कमबैक किया है, जियो के आने के बाद उसे भी लॉसेस हुए, लेकिन एयरटेल ने काफी अच्छे कमबैक किए। एयरटेल टीवी फ्री है, एयरटेल विंक म्यूजिक फ्री है, रिचार्जेस डिस्काउंट्स ऑफर है, उसके अलावा एयरटेल इंश्योरेंस दे रहा है, 100 एकेडमी के फ्री क्लासेस दे रहा है। इस तरीके से एयरटेल ने काफी अच्छे कमबैक किए हैं, लेकिन आइडिया ने तो बिल्कुल भी कमबैक की कोशिश भी नहीं की है। आज भी उसकी सर्विस जस्ट लाइक 3G 2G लेवल का है, बिल्कुल कचरा सर्विस मिलता है। मैं इतनी अच्छी रिव्यू आइडिया की इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ आइडिया, एयरटेल, जियो, BSNL, वोडा, ये सभी कंपनी के सिम मेरे पास हैं और सभी कंपनी का सिम मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूँ। और आपको आज मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं यूट्यूबर हूं लेकिन मेरे पास कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है किसी भी प्रकार का, ना फाइवर। मैं इन सभी कंपनी के सिम के मोबाइल डेटा से ही डाउनलोड अपलोडिंग सब कुछ है, स्ट्रीमिंग एडिटिंग सब कुछ इन्हीं के नेट से हो रहा है। तो मुझे कंप्लीटली आइडिया कि इनकी सर्विस लेवल किस तरीके की है।
एप्पल का क्लिप ऐप में अपडेट आ चुका है। अब इस अपडेट के बाद आप यूज कर सकते हैं मेमोजी, एनीमोजी, न्यू स्टिकर को, और ये जल्द ही रोल आउट स्टार्ट हो गया है। आप जाके चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये रियलमी ने टीज कर दिया है कि ट्रूली वायरलेस ईयरबुड, ये देख के पता चल रहा है येलो कलर, वो तो रियलमी का ट्रेडमार्क है, यानी कि ये रियलमी के बॉक्स पे कोई भी फोन पे कहीं भी रियलमी का येलो कलर तो मिलता ही है। प्लस जो डिजाइन है एज इट इज कॉपी पेस्ट लग रहा है एप्पल के एयरपॉड वर्जन 1 से। एयरपॉड 2 प्रो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एयरपॉड का जो वर्जन 1 आया था उसका जस्ट कॉपी पेस्ट लग रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इसकी प्राइस क्या रखता है रियलमी। अगर 3,000 से महंगा हो गया तो ये फोन, ये ट्रूली ईयरबड आप बिल्कुल ना लीजिएगा, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। मैक्सिमम इसकी लिमिट है 3,000 रुपीज। एप्पल ने कहा है कि वो अगले साल के अगले साल यानी कि 2021 पे आईफोन SE 2 Plus लॉन्च करेगा, और किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी पोर्ट नहीं मिलेगी, यानी कि आपको लाइटनिंग पोर्ट हटा दिया जाएगा। इट मीन्स आप ये मान के चलिए आपको अपने फोन को वायरलेसली चार्ज करना पड़ेगा। हेडफोन जैक तो कंपनी पहले ही हटा दिया है, इसका मतलब सिर्फ आपको स्पीकर ग्रिल मिल सकता है, और स्पीकर ग्रिल का भी एक अगर रिमूव किया जाए तो अल्ट्रा सोनिक स्क्रीन वाला साउंड आउटपुट वाला टेक्नोलॉजी पहले ही आ चुका है। फिंगरप्रिंट तो आपका अल्ट्रासोनिक रहेगा, फेस पासवर्ड रहेगा, और सिम को अगर हटाना चाहता है आईफोन तो ई सिम डाल सकता है। कुल मिला के काफी सारे ऑप्शंस हैं। अब देखना ये होगा 2021 पे कि क्या लॉन्च करता है। कॉल ऑफ ड्यूटी को 2 महीने में ही 170 मिलियन डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है प्ले स्टोर मार्केट पे, और ये लगभग पहुंच चुका है 621 करोड़ ग्लोबल मार्केट टच कर चुका है सिर्फ 2 महीनों में। और ये जो गेम है काफी अच्छा कड़ा टक्कर दे रहा है पबजी को। अब पबजी इसी को देखते ध्यान में रखते हुए पबजी ने ये कहा है कि मैं 90 FPS का अपडेट लॉन्च करूंगा, यानी कि अब तो प्रोसेसर एडवांस हो रहे हैं। नया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला, सैमसंग की तरफ से एक्सिनोस, हुआवे की तरफ से किरिन, एप्पल की तरफ से बायोनिक चिप, इस तरीके के, और मीडिया टेक की तरफ से आने वाले जितने प्रोसेसर हैं वो काफी एडवांस हो गए। तो इसने कहा है पबजी ने और कॉल ऑफ ड्यूटी ने कि 90 FPS वाला अपडेट आ जाएगा, HDR10 वाला भी अपडेट आ जाएगा। अब ट्रूली आप डेस्कटॉप लेवल का गेमिंग कर पाएंगे मोबाइल पे। सैमसंग का गैलेक्सी S11 Plus का कुछ बैटरी लीक सामने आया है, इसके अकॉर्डिंग इसमें 5000 mAh का बैटरी हो सकता है, जो अब तक के सबसे बड़े बैटरी हो सकता है फ्लैगशिप कैटेगरी पे। मिड रेंज में तो हमको मिलता ही है 4000, 5000, इवन 6000 सैमसंग की तरफ से ही आता है M30S पे, बट 5000 अगर बैटरी जा रहा है फ्लैगशिप सीरीज पे तो ये अब तक का सबसे बड़ा फ्लैगशिप हो सकता है सैमसंग के तरफ से। वैसे तो आसूस के ROG 2 वाले फ्लैगशिप फोन में 5000 mAh बैटरी दे दी गई है, और आसूस का 6G वाला जो फ्लिप वाला फ्लैगशिप फोन आया था उसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिली थी। अब देखते हैं सैमसंग क्या नया करता है। सैमसंग गैलेक्सी S11 गैलेक्सी फोल्ड का जो सक्सेसर मॉडल आएगा इसमें सैमसंग का 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर हो सकता है, ऐसा कैमरा सैमसंग ने टीज कर दिया है। हुआवे का Nova 6 लॉन्च हो गया, Nova 6 का 5G वेरिएंट भी लॉन्च हुआ है, डुअल सेल्फी पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ, किरिन का 990 SoC के साथ, और Nova 6 SE को भी अनवील किया गया है, बट फिलहाल वो लॉन्च नहीं हुआ है। तो मैं आपको प्राइस बता दूं, Nova 6 का जो प्राइस निकल के आया है चाइनीज प्राइम वो है 3199, यानी कि 3199। अगर आप इंडियन मार्केट पे कन्वर्ट करते हैं तो 32,400, 8 GB 128 GB वाले का। अगर आप Nova 6 का 5G वाले का चाइनीज प्राइस देखते हैं तो 3,799 चाइनीज युआन, इंडियन प्राइस पे 38,400। तो वैसे तो काफी सस्ता है, 32,000 और 38,000 के प्राइस बजट पे अगर आपको 38 में अगर 5G फोन मिल जा रहा है बिलो 40 तो काफी अच्छा है। इससे ज्यादा आपको और ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि हुआवे काफी अच्छी फोन बनाता है, बिल्ड क्वालिटी, लुक, डिजाइन, सॉफ्टवेयर काफी अच्छी रहती है हुआवे की। और हाँ आपको मैं ये बता दूं, ये दोनों, ये जो फोन है ये डबल 5G सपोर्ट है, आप सिम स्लॉट 1 2 दोनों में डबल 5G चला सकते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन XR2 दुनिया का पहला 5G XR प्लेटफॉर्म वाला है, जिसमें 8K 360 डिग्री वीडियो आप देख सकते हैं। क्वालकॉम का जो 8 सीरीज, 7 सीरीज और 8C, 7C, 8CX वाला जो प्रोसेसर आएगा वो लाइट कैटेगरी का नोटबुक, क्रोमबुक है ना, मैकबुक, ये सब पे यूज किया जाएगा। आर्म आर्किटेक्चर को पे
अब देखना ये होगा कि ये एक्चुअल प्री लोडेड विंडोज के साथ तो काम करेगा ही, बट फुल फ्लेश्ड विंडोज 10 के साथ कैसा ये प्रोसेसर काम कर पाता है डे टू डे टास्क पे, जब आप ये लैपी लेंगे मार्केट पे आएगा उसमें फुल फॉर्मेट करके आप फुल फ्लेश्ड जो डेस्कटॉप वेरियंट होता है विंडोज 10 का प्रो या विंडोज 10 इंटरप्राइज या विंडोज 10 इंटरप्राइज का LTSC लॉन्ग टर्म सर्विस का क्राइटेरिया ब्रांड वाला, ये फुल फ्लेश्ड विंडोज डालेंगे तब पता चलेगा इसकी परफॉर्मेंस क्या निकल के आती है। कैमरा सैंपल सामने आया है वीवो का X30 का, इसमें 0.6 से लेके 60x जूम तक की कैपेबिलिटी है और ये पेरिस्कोपिक डिजाइन के साथ ही आएगा। 12 5G ये फोन रहेगा और इसमें सैमसंग का एक्सिनोस का 980 वाला प्रोसेसर आपको मिलेगा, ये भी 12 5G सपोर्ट रहेगा। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट और S10 लाइट को गीक बेंच पे स्पॉट किया गया है, कुछ रेंडर लीक्स भी सामने आए हैं। इस तरीके से ये मान के चलिए अब हर कंपनी आपको ये प्रेशर कर रहा है कि आप उनके हर एक सीरीज का हर एक मॉडल परचेज करें, इन द सेंस जैसे कि अगर आपका थोड़ा बजट ज्यादा है तो आप तो S10 Plus लेंगे, कम बजट उससे थोड़ा कम बजट है S10 में जाएंगे, उससे कम बजट पे आप S10e पे आएंगे, अब उससे भी कम बजट है तो S10 Lite पे आएंगे। मतलब S10 सीरीज पे ही कंपनी का 4 मॉडल, उसी तरीके से नोट 10 में भी आपका कंपनी का 4 मॉडल। कंपनी ये बोल रहा है कि आप हमारा हर मॉडल लें। Realme 5i, Realme कंपनी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप हर 1-2 महीने में नया फोन लॉन्च करते हैं लेकिन किसी भी फोन पे आप मेटल बिल्ड क्वालिटी नहीं दे रहे हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। रियलमी से मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है लेकिन रियलमी ही एक ऐसा ब्रांड है जिसका मुझे बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं है और जिसका सॉफ्टवेयर कलर ओएस बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल थर्ड क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियलमी का सिर्फ एक ही काम रहता है, एक में एक तीन कैमरा दिए, एक ठो कैमरा और लगा दिए, एक नया मॉडल बन गया, फिर उसी में 18 वॉट का चार्जर है उसको 22 वॉट का चार्जर बना दिए, फिर एक नया कैमरा मोबाइल लॉन्च कर दिए। मतलब वो अपना ही लाइनअप को इतना हॉचपॉच कर रहा है। रियलमी Realme 5 भी है, 5 Pro भी है, 5S भी है, 5i भी है, Realme 3, 3 Pro, मतलब हर 500 रुपए में हॉचपॉच मोबाइल लाइनअप है इनका, इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं अगर आप रियलमी आज के डेट में लेना चाहते हैं, बहुत ही कम बजट है आपका, तो Realme 2 Pro जाए, यानी कि प्रो सीरीज। Realme 2 Pro अच्छा है, Realme 3 Pro अच्छा है, Realme 5 Pro अच्छा है, बाकी जो सीरीज है बिल्कुल इग्नोर के लायक है, देखने सोचने समझने के लायक नहीं है। अब इससे अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं 5 Pro से भी ऊपर, तो रियलमी आप जा सकते हैं XT है बस, उसके बाद रियलमी जो X आया था वो भी कचरा फोन है उसमें, और XT से बेहतर और XT है, उससे ऊपर जाते हैं तो X2 Pro है बस। लेकिन X2 Pro को मैं इसलिए रिजेक्ट करवा दूंगा क्योंकि वो 30,000 में आपको 4G फोन मिलता है, कितना भी टेक्नोलॉजी दिया हो, कोई भी फीचर दिया हो, बट आप 30,000 लगा के 4G लेंगे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि दिसंबर महीने से आपको 5G फोन लॉन्च होने लग गए हैं, जनवरी फरवरी तक आपको फ्लैगशिप वाले 5G फोन भी मिल जाएंगे, तो आप 30,000 लगा रहे हैं 4G फोन के लिए, उससे अच्छा आप 35,000 लगाइए और फरवरी महीने में आप डबल 5G फोन लीजिए, कॉमन सेंस वाली बात है। स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर का गीक बेंच पे रिजल्ट आया है, इसके अकॉर्डिंग तो वो पीछे रह गया एप्पल के आईफोन से, आईफोन के बायोनिक चिप से, लेकिन बाकी हुआवे के चिप से और अपने बाकी ओपोनेंट के चिप से तो बाहर आगे निकल के आया है, बट फिर भी बायोनिक चिप से तो पीछे ही रह गया। ये कॉमन बात ही है, हर साल एप्पल का जो बायोनिक चिप रहता है वो एक बेंचमार्क स्कोर है, एप्पल ब्रांड को इसी तरीके बेंचमार्क की तरह ट्रीट किया जाता है, आइदर इन बिल्ड क्वालिटी, डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट, ट्रू लाइनअप, किसी भी तरीके का एप्पल को ही बेंचमार्क लेके चला जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और डेली मेरे वीडियो को में ऐसी जानकारी देखने के लिए विजिट करते रहिए। थैंक यू।